औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, मैंने आज एक बहुत सारे नए शकीन ने अपने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया है कि शाह साहब बताया जाए कि तितर को जो है सर्दी में कैसे ढांपा जाए, तो कितने कपड़े उसके ऊपर डालने चाहिए, तो किस तरह जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी वाकया ना हो और उसको सर्दी भी ना लगे। तो मेरे दोस्तों, ये देखिए पिंजरा है, ये पिंजरा है, इसके नीचे हमने ये वाला मैट बिछा दिया, ये मैट आपको जो है ना स्पेशली जब चकरियों का सीजन होता है वहां पर पिंजरे वाले आए होते हैं, तो वो उस वक्त ये इस तरह के मैट जो है वो लेके आते हैं, उनके अंदर होता है फोम। अगर आपके पास फिलहाल वो ना हो तो आप इसके नीचे आप एक मैट जो पुराने कालीन वगैरह होते हैं, सादे कालीन वगैरह होते हैं, उसका एक गोल टुकड़ा काट के इसके नीचे रख के ऊपर ये जो है ना ये मैट इसके नीचे वो होगा, ऊपर ये डबल हो जाएगा, तो इससे चित्र को नीचे से जो है ना वो सर्दी ऊपर की तरफ नहीं आएगी, रुक जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है कि जो नीचे आपने मैट का टुकड़ा रखना है, जो कालीन शादी कालीन वगैरह होती है, तो उसका एक ख्याल आपने ये रखना है कि उसकी साइडें तितर को नजर नहीं आनी चाहिए, वरना वो नोक के साथ उसको खींचने की कोशिश करेगा, उसके धागे निकालेगा, खाएगा, तो उल्टा उसको फायदा होने के बजाय जो है वो नुकसान होगा। जिनके पास अगर वो कालीन नहीं है, वो नहीं मिल सकती, तो ये डबल करने, ये जो मैट है, ये वाला गोल मैट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये आपको बखूबी नजर आ रहा होगा, ये हर जगह से मिल सकता है। अगर आप मंगवाना चाहें तो इंसाफ तरपाल हाउस आजी नवाज साहब रावल पिंडी वाले बागसर दारन रोड पर उनकी दुकान है, उनके पास ये तितर के पिंजरे वगैरह और ये चीजें, या विक्की बर्ड है कॉलेज रोड के ऊपर, वहाँ पर जो है वो विक्की भाई से भी अच्छे अच्छे बेहतरीन पिंजरे हैं, वो भी मिल जाते हैं। मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियो भी बनाऊंगा और आजी साहब की दुकान की भी वीडियो बनाऊंगा। तो एक काम आपने ये करना है कि इसकी तपड़ी है, दूसरा ये देख लें, ये इसको जो है ना हम नैपी बोलते हैं, ये पिंजरे की नैपी है, आपने इस तरह रखा और ये पिंजरे को ऐसे इधर से रहते इधर से, ये कुछ लोग पहले करते थे यहाँ डोरियां फिर बांधते थे, तो वो डोरी जो है आजकल ये जरा आसान आ गया। अब क्या होगा, ये चितर एक तो ये देखें, ये इसकी वो किल्ली नहीं है दरवाजे की, अब ये खुलेगा नहीं, चितर इसको नोक से खोलने की कोशिश करेगा लेकिन ये खुलेगा नहीं, आपका चितर बाहर निकलने से अगर गलती से किल्ली आती नहीं, इसका एक फायदा। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये एक तो ठंडक को कंट्रोल करती है, ये एक उसका एक तहफ़ करेगी। नंबर इसके अंदर जो बिठें वगैरह होती हैं वो आपने जहाँ किसी कमरे के अंदर आपने सर्दी में अपने कमरों के अंदर ऐसी जगह पर रखा होगा तो वहाँ वो गंदगी वगैरह निकालती, तो एक तरीका। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये मेरा तीतर है, मैंने क्या किया है कि एक ये कपड़ा, ये बारीक कपड़ा भी मैंने दिया है, आप इस पर आप इसको मोटा कपड़ा भी आप दे सकते हैं, तो इसके ऊपर आप एक बुग दे दें। अब मेरे पास बुग यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन आप जानते हैं एक बुग जो इसका कवर होता है, आप इसके ऊपर ये कपड़ा आप डाल के एक इसी तरह का आप बारीक ही कपड़ा डाल दें, मोटा बिछक ना डालें, या अगर आपने डालना है तो फिर बुग ना डालें, मोटा कपड़े में लपेटना है, जो कंबल टाइप कपड़ा होता है तो फिर वो एक ही डाल दें, फिर ऊपर बुग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप इस तरह का डालेंगे, इस तरह का कपड़ा डालेंगे तो जो तितर टॉप वगैरह नहीं करते या वो नोकबाजी नहीं करते उनके लिए तो सफ़ेद जो टॉप वगैरह करते होंगे, जो लोगों को पता है कि कल्टियाँ मारते हैं, उनके लिए आप ब्लैक कपड़ा का इस्तेमाल कर लीजिए, और ऊपर आप ये
ये यहां तक आपको पता चल गया है। अब ये देखे मैंने इसको ऊपर ये चाड़ा है और इसको अब ये डबल चादर है ये वाली, ये मैं आपको बिछा के दिखाता हूं। अब ये वाला कपड़ा ये ऐसे बिछा दिया। अब इसके सेंटर में हमने इसको तीतर को ऐसे इस पिंजरे को रख दिया। अब इसको हमने ऐसे लपेटना है, ये आपको मैं आप बता, ये आप ऐसे इसको लपेटेंगे इस तरह। तो अब देखें ये एक एक दफा कवर हुआ है, अब ये डबल हो गया है। अब यहां करेंगे तो यहां तक ये डबल हो जाएगा। अब ये कपड़ा इसके ऊपर डबल पे आ गई है, अब इसके बाद यहां से ये डबल हो जाएगा। ये आपको मैं इस तरह बता रहा हूं, तो ये इस तरह डबल हो जाएगा और आखिर में जो रह जाएगा वो हम इसको इकट्ठा करके इसको अच्छे तरीके से सलीके के साथ यहां से हम इकट्ठा करके यहां से इसको दोबारा हम यहां तक कर देंगे। तो ये चित्र आपका जो हो जाएगा कवर हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप कोई वैसे कंबल डाल दें या कोई पुरानी रजाई है तो ज्यादा सर्दी है तो वो ऊपर डाल दें, या ये जो जैकेट होती है जैसे मैंने जैकेट पहनी है रात को उतारू इसको ऊपर से कवर करके रख दूंगा। इसका सांस का कोई मसला, इतने कपड़े में ऑक्सीजन की कोई मसला नहीं है, आपका चित्र इसमें कंफर्टेबल होगा, ठीक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप नए शायकीन हजरात इसी तरह जो कहते हैं जी कि चित्र जो है वो कितने कपड़ों में डांपे, तो कितने का मुराद ये नहीं होता कि आप जो है छह छह कपड़े बुगे भी ऊपर से गर्म मोटी डाल दें। अभी कुछ ऐसी बुगे आती हैं कि उनको आप ऊपर से कवर करेंगे तो नीचे उन पिंजरे के नीचे चली जाती है, डोरी खींचते हैं ऐसे नीचे से डोरी खींचते हैं तो वो बुग नीचे से इतनी इकट्ठी होके डोरी को यहाँ जो है ना इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो वो तो बिल्कुल उसकी जो है आवाज बंद करने वाली बात है। लेकिन अगर वो इस तरह की बुग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ आप बुग ही इस्तेमाल करें, उसके ऊपर फिर कोई कपड़े शपड़े ना चढ़ाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर वाला कपड़ा जो होता है वो अगर आप कोई कंबल छोटे छोटे कंबल जो आते हैं अगर आप वो डालना चाहते हैं तो फिर एक ही डाल दें और ऊपर कोई ऐसे इस तरह ही कपड़ा डाल दें। और अगर आप जिस तरह मैंने डांपा है इसी तरह कल्टी वाले को मैंने बता दिया है कि वो नासी कलर जो सिंध में नासी कहते हैं और काला जो कल्टी वगैरह करते हैं उनके ऊपर वो डाल दें ताकि उनको ये महसूस हो कि हम अंधेरे में हम पुरसकून है और वो अपना जो है ना सुकून से वो टकने वगैरह नहीं मारेंगे। तो ये चीज है, इस तरह करना है तो चित्र आपका सर्दी से महफूज रहेगा। लेकिन रखने की जगह आपको बताऊं, फर्श के ऊपर आपने कभी नहीं चित्र रखना। ये जैसे बेड है कमरे के अंदर कोई चारपाई खाली हो, वैसे जैसे सोफे हैं सोफा है या कोई कुर्सी है या वो या मेज है, मेज अगर मेज के ऊपर शीशा लगा है तो उसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर आपने चित्र को रखना है। और ऐसी जगह रखना है जहां से दरवाजा खुले तो बरह रास्त हवा ना टकराए, बारी हो तो वो खुल जाए तो उसकी आवाज को ना टकराए। और तो इस तरह से ये चित्र सर्दी में महफूज रहेगा, ऑक्सीजन भी पूरी होगी इसकी और सांस का कोई मसला नहीं बनेगा चित्र को। अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे चित्र जो हैं वो जब आप खोलते हैं तो वो फौरन घूमते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी जरूर होती है तो वो तंगी से एक दफा घूमते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप कपड़ा खोलें पहले ये ऊपर वाला कपड़ा अगर बुग है तो बुग को उतारें, फिर जो नीचे वाला कपड़ा है उसको एक साइड से आपने नीचे उतारना है और कुछ देर आपने इंतजार करना है, फिर दूसरी साइड से फिर आराम से ताकि चित्र पर वगैरह मार के अगर उसके जिस्म में पसीना कभी भी आवाज चल रही हो तो खुली हवा में चित्र बंद को कभी नहीं खोलना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, इससे आपके चित्र को फालज लकवा होने का खतरा है। और यही वो दिन है,
यही जनवरी और फरवरी और मार्च के दरमियान लोग एहतियात नहीं करते। धूप कहते हैं जी धूप है, धूप में रखा हुआ है, लेकिन हवा ठंडी चल रही होती है तो ये आपको बताऊं कि उस धूप का कोई फायदा नहीं। जहां हवा ठंडी चल रही है और आपका तितर जो है ना खुला पड़ा रहेगा, तो उससे तितर में जो है ना आपका जो है ना किसी न किसी बीमारी की तरफ चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नए शौकी नजर आते हैं जो जिन्होंने ये सवाल किए हैं, उनको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि चित्र को किस तरह संभालना है। चित्र की हिफाजत करें, जंगली आजाद का तहफ़ करें, यही हमारी ज़िंदगी का और शौक का मकसद है कि हम इन जंगली आयात को बेहतर तरीके से रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खैर अफियत रखे। मेरा चैनल अलकाइन बर्ड हेल्थ केयर एंड टिप्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा बेहतरीन वीडियो वगैरह मिलें। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम हो और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती जैसी कीमती नेमत से ज्यादा सरफराज फरमाए। शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।